हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से। एग्जाम्पल नंबर 3 तक मैंने कंप्लीट कर दिए थे। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले। बच्चों, दो वीडियो से पहले मैं बना चुका हूं बच्चों, जो कि फर्स्ट वीडियो में मैंने इसकी डेरिवेशन कराए थे साइन रूल और कोसाइन रूल के, और सेकेंड वीडियो मैंने 3 एग्जाम्पल्स बताए थे बच्चों। ठीक है, आज एग्जाम्पल नंबर 4 से देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, इफ एंगल बी इक्वल टू 60 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू √3/√2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये कैपिटल ए लिखा है, मतलब कि हम लोग को एंगल ए फाइंड करना है। देखिए बच्चों, जो हमने बताया भी था आपको कि जब आपको कभी भी दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल दिया जाए और कोई एक एंगल पूछा जाए, तो आप साइन रूल का यूज़ कर सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे साइन रूल कैसे यूज़ करेंगे। साइन रूल, मैं साइन रूल यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, समझिए। यहाँ पे साइन रूल बच्चों, यहाँ पे बी और सी में है, तो बी और सी का लगाइए। साइन बी अपॉन में बी होता है और साइन सी अपॉन में सी। वैसे साइन ए अपॉन ए होता है, साइन बी अपॉन बी होता है, साइन सी अपॉन सी, लेकिन बी और सी में दे रखा, तो इसीलिए मैंने बी और सी में लगाया। बी को यहाँ भेज देंगे, सी को नीचे ले आएंगे, तो साइन बी अपॉन में साइन सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी अपॉन सी। वैल्यू पुट करेंगे साइन बी, बी की वैल्यू देखिए ध्यान से, एंगल बी की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 60। अच्छा, सी की वैल्यू हम लोग को नहीं दे रखी, ठीक है, कोई बात नहीं। अंडर रूट बी बाई सी दे रखा, मतलब बी बाई सी दे रखा, सॉरी बच्चों, क्या दे रखा है, अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 2, ठीक है, रेशियो में दे रखा है, तो रेशियो मैंने यूज़ कर लिया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 अपॉन में साइन सी √3/2, ठीक है। ये 2 कहाँ आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, तो हम लोग √2 को नीचे लिख देंगे, तो √3 अपॉन में 2 साइन सी इक्वल टू में √3/√2। √3 से √3 क्या जाएगा, कट जाएगा, क्रॉस कर देंगे बच्चों, तो क्रॉस क्या किया, 1 बचा है, यहाँ पे 1, तो क्रॉस करेंगे तो 2 साइन सी का 1 में इनटू होगा, तो क्या जाएगा, 2 साइन सी, और √2 का 1 में करेंगे तो √2 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब साइन सी, ठीक है, अब साइन सी इक्वल टू √2/2, ठीक है। अब इधर कर दे रहे हैं बच्चों, इधर जगह नहीं है, इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, √2/2, इस 2 को हम लोग क्या ले सकते हैं, √2/√2 दो बार, तो एक बार √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन सी इक्वल टू में क्या बचेगा, 1/√2, ठीक है। साइन में किसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो साइन में वैल्यू होती है 1/√2 45 की बच्चों, ठीक है। तो सी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, बताइए 45 डिग्री। ओके बच्चों, तो सी की वैल्यू आ गई 45, तो हमें निकालना क्या है बच्चों, ए। तो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है, यहाँ लिख देना वी नो दैट, है ना, क्योंकि दो एंगल पता है, थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। ए हमको फाइंड करना है, बी कितना है 60 है, और ये कितना है बच्चों 45 है, तो 180 इसको ऐड करेंगे पहले, 5 और 6 4 10, ठीक है, इस तरफ भेज देंगे। ए इक्वल टू क्या जाएगा, 180 माइनस का 105, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 75 डिग्री, माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 75, तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 75 डिग्री, ठीक है। सब बच्चों को आ गया अच्छे से, तो आप लोग को देखिए यहाँ पे दो साइडों का रेशियो और एक एंगल दे रखा था, तो अब ये एंगल ए पूछा था, तो मैंने सी निकाल लिया पहले इसकी हेल्प से, और जब सी निकल गया तो उस ए बी और सी की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे, राइट है बच्चों, सभी बच्चों को आ गया अच्छे से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर बच्चों 5, ठीक है बच्चों। साइन रूल यहाँ पे लगाया, सभी लोग को आया कि नहीं आया बच्चों, तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों, क्योंकि उसमें मैंने रूल बताए हैं, उसकी डेरिवेशन कराए हैं बच्चों, किस प्रकार से फॉर्मूले बने वो सब मैंने करा रखा है बच्चों, तो प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 बच्चों, देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ एंगल ए, सॉरी साइड है, देखो सॉरी एंगल नहीं, एंगल होता है तो कैपिटल होता है, साइड्स है, ए 3 है, बी 5 है, सी 7 है, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। देखिए हमें तीनों साइडें दे रखी है और हम लोग को ग्रेटेस्ट एंगल पूछा है बच्चों। जब कभी भी हम लोग को तीनों साइडें दे रखी हूँ, जैसे मैं साइड पहले यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे यहाँ मैंने मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये ए के सामने ए पड़ेगा, बी के सामने बी पड़ेगा, सी के सामने सी, तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है, बी की वैल्यू 5 है, तो सी की वैल्यू कितनी है 7।
अब हमें कैसे मालूम चलेगा कौन सा एंगल ग्रेटेस्ट है और कौन सा एंगल क्या है लीस्ट है बच्चों? तो इसके लिए हम लोग को साइड देखनी पड़ेगी, साइड कौन सी ग्रेटेस्ट है, यहाँ पर सी बच्चों ग्रेटेस्ट है, और अगर सी ग्रेटेस्ट है तो उसके सामने का एंगल जो होगा सी वो क्या होगा ग्रेटेस्ट एंगल होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट साइड जो होती है उसके अपोजिट जो होता है वो ग्रेटेस्ट एंगल होता है, और जो स्मॉलेस्ट साइड होती है उसके सामने मतलब अपोजिट एंगल जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। तो लिखेंगे सिंस C is greatest side, therefore angle C be greatest। क्या होगा angle C क्या होगा बच्चों? वो greatest होगा। जो साइड बड़ी होती है उसी के सामने का एंगल जो होता है बच्चों बड़ा होता है, अपोजिट मतलब बोलते हैं उसको, जैसे इसके अपोजिट कौन सा पड़ेगा सी पड़ेगा बच्चों। तो हमें सी निकालना है। अब हमने आपको बताया कि तीनों साइड आपको दे रखा हो तो कोई भी एंगल आपसे पूछे तो आप कोसाइन रूल का यूज़ करेंगे, तो हमें कौन सा एंगल निकालना है सी, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे कॉस सी। तो फॉर्मूला होगा सी है तो मतलब सी को छोड़ के बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में टू बी ए। ओके बच्चों, b की वैल्यू कितनी है बच्चों बताइए 5। अब स्क्वायर करके लिखिए तो कितना लिख देंगे 25, ठीक है डायरेक्ट स्क्वायर लिखिए 25। a स्क्वायर 3 लिखा तो क्या हो जाएगा बच्चों 9। c कितना है 7, स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा 49। ओके बच्चों, इंटू 2 इंटू b का मतलब हो गया 5 और c का मतलब a का मतलब हो गया सॉरी 3। 25 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा माइनस का 49, और 25 जा 10 3 जा 30। 49 में अगर हम 34 माइनस करेंगे तो कितना 9 में 4 जाएगा 5 और 4 में 3 के 1 माइनस का 15 बचेगा अपॉन में 30। ये कट हो जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा कॉस सी, यहाँ लिखते रहेंगे कॉस सी इक्वल टू इधर कर दे रहे बच्चों, तो कॉस सी इक्वल टू बच्चों कितना बचेगा माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है भाई माइनस में किस प्रकार से वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कभी भी कॉस में आपको माइनस की वैल्यू फाइंड करनी है तो बहुत ही इजी तरीके से देखिए बच्चों, कॉस लिख लीजिए और पाई माइनस लिख लीजिए। पाई माइनस का मतलब होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और 1/2 वैल्यू किसकी होती है ये ध्यान दीजिए, 1/2 कॉस में जो होती है वो किसकी होती है 60 की होती है, तो पाई मतलब 60 का मतलब पाई बाई 3, तो पाई माइनस का क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे पाई बाई 3 कर देंगे। 60 का मतलब रेडियन में क्या होता है पाई बाई 3 होता है, तो आप 180 लिखिए या फिर पाई लिखिए, जैसे आप पाई लिखा तो पाई में यहाँ लीजिए, अगर आप यहाँ 180 लिखेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो मैं इसको उसमें भी ले देता हूँ डिग्री में, तो कॉस इसको आप 180 माइनस क्या ले सकते हैं 60 भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब कॉस से कॉस हट जाएगा तो सी इक्वल टू कॉस से कॉस हट जाएगा, तो ध्यान दीजिए 3 बन जा 3, 3 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 2π/3, या बोल सकते हैं 180 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा 120 डिग्री, ठीक है। ये रेडियन में आंसर है, ये किसमें डिग्री में है, ठीक है दोनों सेम चीज़ें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चाहे रेडियन में लिखिए चाहे डिग्री में लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जो 2π/3 या फिर 120, तो ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा वो कितना होगा 120 होगा। अगर यहाँ लीस्ट या लोवेस्ट एंगल पूछता तो लोवेस्ट साइड ढूंढते, कौन सी साइड थी लोवेस्ट ए, तो उसके सामने का जो एंगल होता उसके अपोजिट जो एंगल होता वो क्या होता लोवेस्ट एंगल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, जो लीस्ट साइड होती है उसके अपोजिट लीस्ट एंगल होता है, जो साइड ग्रेटेस्ट होती है उसके अपोजिट जो होता है वो ग्रेटेस्ट एंगल होता है, ठीक है बच्चों। और साइडें अगर इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे बच्चों। तो ये रूल होता है बच्चों ट्राइंगल के अंदर बच्चों यहाँ पे, ठीक है। आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा बच्चों 7 बच्चों, 6 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हुआ 6 देखते हैं बच्चों, देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा हुआ है ए सेक ए प्लस बी सेक बी और प्लस सी सेक सी इक्वल टू, प्रूफ करना है ए सेक ए इंटू 10b इंटू 10c बच्चों, ठीक है। तो कैसे हम लोग इस प्लस को बच्चों इंटू में प्रूफ कर सकते हैं, देखिए हम लोग को सब ये इंटू में लाना है, ए सेक ए हम लोग को सेम लाना है, बाकी ये सब जो है सब इंटू में लाना है, बी नहीं लाना है 10b लाना है और 10c लाना है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम मैं कहूँ बच्चों बी 10b या 10c लाने के लिए आप प्रोजेक्शन फार्मूला के यूज़ कर सकते हैं बच्चों, प्रोजेक्शन फार्मूला याद होगा आप लोग को, ए इक्वल टू था बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी बच्चों, ठीक है। लेकिन दिक्कत है वहाँ पे साइड्स भी आ रही हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या लाना है ओनली ए साइड लानी है बच्चों, ए लाना, बाकी सब एंगल लाना, मतलब ये बी और ये सी हम लोग को यहाँ पे नहीं लाना है बच्चों। तो ऐसा करिए यहाँ पे साइन रूल लगाइए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। LHS ले लेते हैं पहले हम लोग यहाँ पे, है ना,
LHS, तो ए सेक ए प्लस बी सेक बी प्लस सी सेक सी। देखिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा बच्चों, यहाँ पे साइन रूल लगाऊंगा। साइन रूल क्या होता है बच्चों, सिंस साइन रूल होता है साइन ए अपॉन में ए इक्वल टू में साइन बी अपॉन में बी इक्वल टू में साइन सी अपॉन में सी। इक्वल टू में क्या मान ले रहा हूँ बच्चों, के नहीं वन अपॉन के मानो कि हम ए बी सी की जगह वैल्यू चेंज करेंगे। ओके बच्चों, ए बी सी की जगह चेंज करेंगे तो इसलिए वन अपॉन के मान लेंगे, या फिर इसको उल्टा लिखिए आप लोग बच्चों यहाँ पे। तो ए की वैल्यू ध्यान से देखिए के साइन ए आएगा, तो यहाँ पुट करेंगे बच्चों तो ए की जगह क्या जाएगा के साइन ए, ध्यान दीजिए के साइन ए और सेक ए ऐसे लिखेंगे। प्लस यहाँ पे क्या जाएगा बी की जगह क्या जाएगा बच्चों के साइन बी, तो के साइन बी और सेक बी को वैसे ही लिखेंगे बच्चों, ठीक है। और सी की जगह क्या जाएगा बच्चों बताइए, के साइन सी है ना, के साइन सी इंटू सेक ए बच्चों, ठीक है। अब के क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे बच्चों, के कॉमन करेंगे तो थोड़ा समझिए बच्चों ध्यान से। साइन ए को तो साइन ए लिखा मैंने, सेक ए किसका उल्टा होता है, सेक बच्चों यहाँ पे सी होगा, सॉरी बच्चों गलती से ए लिख गया, यहाँ पे सी होगा, ठीक है सही कर लीजिए सी हो गया। यहाँ पे साइन ए सेक क्या है वन अपॉन कॉस है, तो साइन ए अपॉन में कॉस है। साइन बी को साइन बी लिखा, सेक बी को हम लोग क्या लिखते हैं अपॉन में बच्चों कॉस बी। और फिर हमने इसी प्रकार से साइन सी अपॉन में क्या लिखा है इसको कॉस सी। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है बच्चों टेन ए होता है, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होता है बच्चों टेन बी होता है, और साइन सी अपॉन कॉस सी क्या होता है बच्चों टेन सी होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल पढ़ रखा होगा क्या बच्चों कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी जो होता है, प्रूफ करा होगा बच्चों टेन ए प्लस टेन बी और प्लस टेन सी जो होता है वो टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी के इक्वल होता है बच्चों, किसे होता है टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी के इक्वल होता है। नीचे लिख दे रहा हूँ टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी के क्या होता है इक्वल होता है, तो वही कर देंगे यहाँ पे के लिखेंगे बच्चों सॉरी के, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों टेन ए इंटू टेन बी और इंटू टेन सी, ठीक है बच्चों। अब देखिए टेन बी टेन सी तो आ रहा है बच्चों, लेकिन ये टेन ए हटाना पड़ेगा, टेन ए की जगह हम लोग क्या लिख देंगे साइन अपॉन कॉस, तो के की जगह के लिखे पहले बच्चों यहाँ पे, और टेन ए की जगह क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। टेन बी की जगह टेन बी लिखिए यहाँ पे चेंज मत करिए, और टेन सी की जगह टेन सी लिखिए बच्चों यहाँ पे चेंज मत करिए। और के साइन ए बच्चों के साइन ए याद होगा आपको क्या था ए, और कॉस ए ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों सेक ए बन जाएगा, तो ए सेक ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बच्चों यहाँ पे, ठीक है आया समझ सब बच्चों को। बच्चों ये चीज़ ध्यान दें टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी जो होता है वो टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी होता है बच्चों, ये आप लोगों ने प्रूफ किया होगा पिछली जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो वहाँ पे अगर बताएंगे तो मैं इसको भी प्रूफ करा दूंगा बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन अगर ये आ गया तो अच्छी बात, और नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में कि नहीं आया ये चीज़ समझ में, तो मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा आप लोग को। ओके बच्चों, तो ये तीन एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं बच्चों आराम से, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल आप लगाइए, जो ना समझ में आए उसको दोबारा फिर से पूछिए बच्चों, ठीक है, मैं उसको दोबारा फिर से बताऊँगा। ओके, साइन को साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों तैयार कर लीजिए, प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो मैंने बता रखा आप लोग को वो भी तैयार कर लीजिए, वो अभी मैंने यूज़ नहीं किया, साइन रूल यूज़ किया है, कोसाइन रूल ये दोनों यूज़ किए हैं, बाकी रूल अभी नहीं मैंने यूज़ नहीं किए हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थैंक यू सो मच बच्चों।